पार्टी के 20 आयोग ठहराए गए विधायकों के मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 20 आयोग अब विधायकों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से आने वाला फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी से तय होगा कि दिल्ली में उपचुनाव होंगे या नहीं। यही फैसला तय करेगा कि 20 अयोग्य विधायकों को कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या नहीं। बता दें, आप विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और चंद्रशेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी अपनी बहस पूरी करने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आप विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि विधायकों की याचिका निराधार है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। याद हो कि 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन वहीं विधायकों की दलील है कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है। आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग की दलीलें दी थी कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं दिया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।